हेडलाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। चोरी और फिर उसके बाद सीना जोरी, जैसी कहावत तो आपने अमूमन सुनी ही होगी। अब गुलावठी में इस समय ये खबर देख रहे लोग सोच रहे होंगे कि अब ऐसा क्या हुआ, तो चलिए बिना किसी लाभ लपेटे के आपको सच बता ही देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 11 जुलाई 2024 को न्यूज वॉल इंडिया द्वारा अपने प्रोग्राम भारत एट नाइन के स्पेशल एपिसोड में गुलावटी में पड़े जर्जर वाटर कूलर हो या नगर में सिवर लाइन की सुविधा देने का दावा या नगर के द्वीप पैलेस पर स्थित विकास कार्य को मुंह चढ़ाता सड़क का गड्ढा हो या पशुपालन डेयरी से नाली में गोते लगाता गोबर का पानी या फिर अधिकांश घरों में जनता गंदा पानी जा रहा हो या फिर अधिकांश घरों में नई पाइपलाइन से जल की निकासी का ही ना होना हो, आदि इत्यादि गंभीर समस्याओं को साफ तौर पर प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया के बुलंदशहर से जिला ब्यूरो पत्रकार अरुण यादव ने नगर पालिका के एनपीपीपी नामक गुलावठी मीडिया सेल के सहित अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया, ताकि जिम्मेदार ईओ और चेयरमैन सक्रिय होकर चैनल द्वारा प्रमुखता से चलाई जाने वाली जन समस्याओं की खबरों पर संज्ञान लेकर पालिका उनका जड़ से निवारण कर सके। लेकिन साहब, अब ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा मिले 50,08,15,911 रुपए से ज्यादा के भारी भरकम बजट से समस्याओं का समाधान निकलना ये उनके बस की बात ही ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नगर में 30 मई 2024 को चलाई गई खबर से लेकर 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार तक, यानी आज भी वाटर कूलर जर्जर हालत में दुरुस्त होने की पालिका से दुहाई मांगते नजर नहीं आते। जी हां, अगर गुलावटी की नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ इतनी ही अलर्ट होती तो बोर्ड मीटिंग में नगर में सिवर लाइन बिछाने का दावा हो या नगर में 5 साल की गारंटी के नए वाटर कूलर लगाने और पुराने को दुरुस्त कर राहगीरों को स्वच्छ जल, शीतल जल देने की सुविधा या स्वास्थ्य के लिहाज से पशुपालन डेयरी पर कड़ी कार्रवाई कर पानी में गोते लगा रहे गोबर के पानी को रोकने सहित अनेक दावे यूं ही जमीनी स्तर पर लापरवाह पालिका से बेखौफ उनको आंखें दिखाकर बेवजह लाचार नजर नहीं आते। अब गुलावठी की जनता को बताते हैं किस तरह ईओ निहारिका चौहान ने अपनी अन्य नाकामियों को पर्दे के पीछे ढककर किस तरह तिलमिलाते हुए और तिलमिलाते अंदाज में न्यूज वॉल इंडिया के पत्रकार अरुण को लेकर प्रतिक्रिया दी। ईओ महोदय एनपीपी मीडिया सेल के व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखती है, अरुण गुलावटी में न आए हो क्या? जब जल निगम सड़कें तोड़ रहा था तब कहां थे तुम? और जो नाला सफाई चल रही थी क्या वो दिखाई नहीं दी? तो ये कुछ तस्वीरें भेज देती हूँ, देखो ध्यान से। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो पूरा व्हाट्सएप का जो चैट है आपको नजर आएगा। अब ईओ द्वारा दी गई इस प्रतिक्रिया में न्यूज वॉल इंडिया अरुण को लेकर कुछ बताए, उससे पहले ईओ मैडम से पूछना चाहते हैं कि जब जल निगम सड़क तोड़ रहा था तब जिम्मेदार पालिका द्वारा ये सब होने से रोका क्यों नहीं गया? बड़े नाले से नगर के विद्युत विभाग में पहुंचे गंदे पानी, कीचड़ और कूड़ा करकट से सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2.0 को पलीता लगा रहा था, जिसे लेकर विभागीय एसडीओ जय सहित स्थानीय निवासी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, उसे लेकर आपने क्या किया? सवाल तो बनता है, अगर आप चोरी करेंगे और सीना जोरी करेंगे तो सवाल फिर होगा। आपने सफाई इंचार्ज ओमवीर सिंह पर कोई कार्रवाई जैसा हंटर नहीं चलाया या जेई द्वारा बताए जाने पर नाली की सफाई के नाम पर की गई खानापूर्ति को लेकर संबंधित ठेकेदार से पूछा कि लापरवाही बरतने को लेकर ही क्या आपको सफाई कराने का ठेका सरकारी बजट से दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई आपके द्वारा की गई? क्या ईओ महोदया बता पाएंगी कि नगर में खबर के बाद उस नाले की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया गया या फिर मानसून से पहले नालों की सफाई के नाम पर ग्रुप में
वीडियो फोटो भेज देने से नाले आजीवन साफ रह पाएंगे। क्या आप गारंटी देती हैं कि आप 5 साल तक इन नालों की सफाई नियमित तौर से कराएंगी? क्या यो द्वारा नालों की साफ सफाई साप्ताहिक या माह में एक बार हो जाए, ऐसा कोई शेड्यूल आज तक बनाया गया है? अगर बनाया गया है तो दिखाएं। क्या यो बता पाएंगे नगर में नालों में की गई सफाई पर कितना खर्च हुआ या खबर के बाद ही पालिका हरकत में क्यों आई? उसे पहले से भी तो नाले की सफाई करा सकती थी। आखिर मानसून आने से पहले ही पालिका को नालों की सफाई याद आती है, वो इसलिए कि बरसात का पानी नाले से निकाली गई कीचड़ आदि को पुनः नाले में बहा दे। आखिर यो मैडम, सफाई के कामकाज पर इस तरह की खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही किए गए वादे दावे पूरे किए जाने चाहिए, यही तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का प्रमुख सवाल है। इसमें बिलबिलाना कैसा, बौखलाना कैसा? अब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ईओ महोदय को बताना चाहता है कि अरुण यादव पत्रकार होने से पहले गुलाबटी के निवासी भी हैं। तो साफ है कि अरुण नए तो कहीं किसी अलग दुनिया से गुलाबटी में नहीं आए होंगे। अब बात करते हैं चेयरमैन और ईओ सहित समस्त कर्मियों और अन्य जनों की उपस्थिति में पालिका में 22 जून 2023 को आयोजित हुई बोर्ड मीटिंग की, जिसमें पालिका लेखा लिपिक नरेश यादव ने सरकार द्वारा दिए गए 50,08,15,911 रुपए के भारी भरकम बजट को सराहनीय तौर पर पढ़कर सुनाया था, जिसमें अनेकों विकास कार्यों को लेकर पालिका द्वारा बड़े बड़े दावे भी किए गए। उम्मीद है चेयरमैन हो, ईओ हो, दोनों को ये सभी दावे जरूर याद होंगे। लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के सक्रिय पत्रकार अरुण यादव द्वारा चलाई गई खबरों से पालिका की नाकामी की पोल क्या खुली तो झुलझुलाहट में अरुण को ही भूल गए। इसलिए ईओ निहारिका चौहान को हम बताना चाहेंगे कि उसी बैठक के दौरान हमारे सहयोगी अरुण यादव को आपके और भाजपा शासित चेयरमैन शैलेश तिवतिया द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सम्मानित भी किया गया था। अब ऐसा क्या हुआ कि ईओ व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखती हैं कि आशा है कि अरुण काम करती लेबर की मेहनत को भी दिखाओगे और पत्रकारिता में एक तरफा छाप कर पीठ पत्रकारिता वाले जर्नलिस्ट में शामिल तो नहीं हो। उन्होंने लिखा कि 10 साल पुराना सड़क का गड्ढा खबर में दिखाकर कुछ भी बोलना वो पीठ पत्रकारिता है। आप जानते होंगे पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं। निवेदन है, सही जानकारी के लिए आप पालिका से भी वर्जन लें। चलिए वर्जन के लिए बुलाए तो सही। ईओ महोदया, आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए आपको बता दें, सबसे पहले ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अरुण ने जर्जर वाटर कूलर के बतौर साक्ष्य के रूप में दया दिशा दिखाई थी। उसके बाद नाली से निकलता गोबर का पानी दिखाया था। अब हमें तो नहीं पता कि ये पीत पत्रकारिता क्या होती है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपको एक जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी के रूप में जनहित में काम करने चाहिए थे। खबरों के माध्यम से उजागर हो रही समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन आपने करना क्यों वाजिब नहीं समझा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब जब आपको पता था कि नगर में बीते 10 सालों से सड़क पर गड्ढा है, तो ये भी पता होगा कि वो कहां पर है। वैसे तो हम खबर की शुरुआत में बता चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। आपके अनुसार 10 साल पुरानी सड़क का गड्ढा नगर के दीप पैलेस के जर्जर सड़क पर है। आप और नवागत चेयरमैन नगर में 10 साल पुराने सड़क के गड्ढे सहित अन्य सड़कों में भी गड्ढे हो तो ग्राउंड जीरो पर जाकर उन सभी बेचारे गड्ढों या जर्जर सड़कों पर भी तरस खाइएगा। उन्हें 50 करोड़ से ज्यादा के पास हुए सरकारी बजट से अपने कार्यालय में दुरुस्त करा दीजिएगा, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो या बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश का 7 जुलाई 2024 को दिया गया पुल हो या मार्ग को गड्ढा मुक्त करने का आदेश आपको नजरअंदाज नहीं करना है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया शासन और प्रशासन के आदेशों को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर उनकी क्या हकीकत है, उसे प्रमुख तौर पर बेखौफ दिखाने का काम करता था, करता है और आगे भी करता रहेगा। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया 5 सालों तक 50 करोड़ से ज्यादा के पास हुए बजट से नगर में विकास कार्य हुए या नहीं, उसकी सटीक और जांच पड़ताल कर बुलंदशहर गुलाबटी की जनता के सामने लाने का काम निष्पक्ष तौर पर बेखौफ करता रहेगा। चेयरमैन और ईओ, आप दोनों से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया जनहित में आशा करता है कि पालिका द्वारा जर्जर वाटर कूलरों को दुरुस्त करने, नगर में सिविल लाइन बिछाने और नाली को गोबर मुक्त करने को लेकर जरूर सजग होंगे।
साथ ही नगर के घरों में गंदा पानी ना जाए, नई पाइपलाइन से जल निकासी हो, इस पर भी आपका तानाशाही रवैया ना रखकर जनहित पे प्रमुखता सोच विचार कर नगर की एक एक समस्याओं से निपटारा जरूर पाएंगे। अंत में अब हम आपको दिखाएंगे कि बीते मई महीने 2023 से लेकर बीते जून महीने 2024 में पालिका में पहुंच अरुण को भूली ईओ से न्यूज वन इंडिया द्वारा किन किन समस्याओं को लेकर वर्जन लिया गया, साथ ही उन पर नगर पालिका गुलाबटी की ईओ निहारिका चौहान द्वारा क्या कुछ कहा गया। तो पालिका किस तरह से देखती है जर्जर वाटर ग्रुप, क्या आश्वासन दे पाएंगे कि वो सही हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल सही है, काफ़ी जगह सही भी चल रहे हैं, कहा जगह कोई कंप्लेन है तो हम थोड़े कुछ का निस्तारण करते हैं। जैसे CSC से हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं चल रहा तो हमें तत्काल रूप से कार्रवाई करके उसको सही भी करा, तो ऐसा नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज़ है, जब तक पब्लिक हेल्प नहीं बनता तो आप भी नहीं कर सकते, पर यह है कि कोई भी शिकायत अगर नहीं मिलती तो उसका त्वरित निस्तारण, ये गारंटी मेरा नंबर है, मैं पब्लिकली कहती हूँ कोई शिकायत है किसी से भी पहले हमें। और गणमान्य जनों की उपस्थिति होती है, वो भी आश्वासन देते हैं, तो इसको लेकर के क्या वास्तविकता है कि नगर में गुलावठी पॉलिथीन मुक्त हो जाए, पालिका किस तरह से कड़ा संज्ञान लेगी? अरुण जी, आप ये जान लीजिए कि कोई भी आंदोलन जो है कभी भी अकेला व्यक्ति नहीं खड़ा कर सकता। और पालिका से ही मिले निष्पक्ष पत्रकारिता सम्मान से ये भी साफ हो जाएगा कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पत्रकार अरुण यादव कोई पीठ पत्रकारिता नहीं करते, सटीक खबर दिखाते हैं। आज के लिए @9 में इतना ही, कल फिर लौटेंगे और इसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।